मंच में उपस्थित सरकार के माननीय मंत्री, मंच में उपस्थित श्रीमती सरफराज जी, मंच में उपस्थित उत्तराखंड के उदिशा जितकुंडी भंडारण नागाबाद कुष्ठो नवाडी आशीर्वाद बताता है, आज खबरों का पता है, तीन बार चुनाव में जीते हैं और चार बार हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के साथ कपड़ों में डैक्स जीएसटी डैक्स लगा करके जगन्नाथ महतो के पत्नी के एक एक वोट जो है आप देने का काम करें। हम उत्तराखंड को मैं निमंत्रण देता हूं, इसलिए के ये मंत्री और इस हेमंत बाबू आप जितना भी सब आए हैं सभी को जोहार, और जितना भी आए हैं सभी माई बहन काकी सब के प्रणाम कर रही हो। हमारे आई है वो वोट मांगे चाची साहब, आशीर्वाद दिया हमारा टोनी के को है लाली हो टोनी के आशीर्वाद दिया। आप जितना ही 17 साल में काम कर लो थी ने से टोनी सब जाने था भाई इतनी क्षेत्र में कितना काम कर लो थी से सब कोई आय के नहीं कर लथिन। जितना अच्छा रोड बना दे लथुन जे बोलवा में धोरा नहीं लगतो तोहनी के, जाय आवे में कोई पिछड़वा नहीं, इतना अच्छा बना दे लथुन मनबरी जी तोहनी के, बाल बच्चा के सब सुविधा कर दे लथुन। माई बहन 5 तारीख के हमारे वोट लगाए, एक नंबर में तीर धनुष बिहाने जाए भोरे जाए के तनी हमारे बटन दबाई दिया तीर धनुष में और आय के खाना बनाया। जय हिंद जय झारखंड जोहार। पहली बार आप लोग देख रहे होंगे कि किसी सभा में आज टाइगर जगन्नाथ महतो आज नहीं है और ये खालीपन और ये भारी मन जो आज बड़े भाई जगन्नाथ महतो के द्वारा हमें छोड़कर जाना और उसके शहादत के बाद ये चुनाव होगा, इनके खालीपन को तो भर नहीं हम सकते लेकिन उनके कर्म को और उनका डुमरी विधानसभा झारखंड के 3.5 करोड़ पूर्ववासी आदिवासी के प्रति जो उनकी
सोच और संवेदनाएं थी। मुझे लगता है कि ऐसा झारखंड बहुत कम होगा जो 1932 का गंजी कमीज और चादर पहनते होता और जगता। आज जगन्नाथ महतो जी के जगह पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से चुनाव सुनिश्चित हुआ। बहुत चिंतन मंथन करने के बाद कि हम लोग चाहे जगन्नाथ महतो जी को किस किस तरीके से अपना सौभाग्य दे सकते हैं, तरह तरह के योजना के माध्यम से पार्टी संगठन सरकार के माध्यम से हम लोगों ने उनके दिवंगत आत्मा को सलामी देने का काम किया और उन्हें याद करने का काम किया। उनका डुमरी विधानसभा में नजर उठा के देखिएगा तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा जहां टाइगर जगन्नाथ महतो जी का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हुआ। दिन और रात चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, वो आपके बीच में खड़े रहे। कई ऐसी चीजें जो आपको महसूस करना पड़ेगा। आज वो सरकार है आपके सामने जिसने आपके बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया। आज वो सरकार आपके सामने है जो आपके घर में बैठी विधवा महिला किसी भी उम्र का है उसको पेंशन देने का काम कर रही है। आज वो सरकार आपके सामने है जो घर में जितना भी बड़ा उम्र का हो, जितना भी छोटा उम्र का हमारा जो अपंग बच्चे हैं उनको पेंशन देने का काम कर रहा है। और तो और इस राज्य में जो महिला को पुरुष छोड़ के भाग जाता है उसको भी पेंशन देने का हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों से हम जानना चाहते हैं देवी देवी जी जीतेंगे कि नहीं, 200% जीतेंगे कि नहीं, बाकी लोगों का जमाना जब तक है। चलिए इन्हीं बातों के साथ एक जोरदार नारे के साथ क्या टाइगर देने का बातो, टाइगर देने का बात बातो, टाइगर देने का बात।